अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम एक और दफ़ा टेलमार्ट स्टूडियोज में मौजूद हैं और आज जो प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है Xiaomi की तरफ से Mi 8। ये फ़ोन बहुत ही अमेजिंग फ़ोन है, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, रिव्यू वीडियो करेंगे और देखेंगे कि बॉक्स में क्या क्या कॉन्टेंट मौजूद है। अगर आप किसी फ़ोन के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करें ताकि हम वो अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचा सकें। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा के हर लेटेस्ट अपडेट से आगाह रहें। चलें शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक Xiaomi की प्रोडक्ट रखी हुई है Mi 8, जिसको अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सो ये प्रोडक्ट जो है, इसकी पहले ही हम सीलिंग जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं और इसके जो रैपर्स हैं वो उतार चुके हैं, तो बस फ़ोन का डब्बा खोलना रहता है, तो वो भी खोल लेते हैं और प्रोडक्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने बॉक्स खोला है, बॉक्स देख सकते हैं आप, इट्स अ ब्लैक कलर्ड बॉक्स विच इज़ वेरी अमेजिंग। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें देखने के लिए आती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएंट, ग्लोबल वर्जन, विच मींस कि ऑब्वियसली ये जो फ़ोन है ये ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है और ये ग्लोबल वर्जन है। इसी के साथ साथ हमारे पास ये एक बॉक्स आ जाता है, बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि एक ये कवर मौजूद है, ये कवर जो है ये सिलिकॉन कवर है, बैक कवर, जो कि बहुत ही अमेजिंग सा और ट्रांसपेरेंट सा वाइट सा कवर है। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ यूज़र मैनुअल्स आते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम कॉर्नर पे करें और देखें तो हमारे पास एक डोंगल है, विच मींस कि ऑब्वियसली फ़ोन जो है उसके अंदर एक हेडफोन जैक्स जो होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। USB टाइप सी है जो कि हेडफोन जैक्स के लिए है, यूजेबिलिटी के लिए। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिम इंजेक्टर टूल भी यहाँ मौजूद है। ये था कुछ कंटेंट जो अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ सामने हम देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन को बाहर निकालते हैं और देख सकते हैं कि ये फ़ोन जो है एक ब्लू कलर में है और बहुत ही एक कूल सा लुक है इसका, ब्लू सा। अगर मैं इसका थोड़ा सा क्लोजअप देख सकूँ आपको तो ये कुछ है, इसके पीछे कुछ स्टिकर्स मौजूद हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर में उतार दूँगा। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मौजूद है और ड्यूल कैमरा जो कि हाइलाइटेड सी चीज़ है। अगर हम इसका कुछ रिफ्लेक्शन के तौर पे आपको दिखा सकें तो दिस इज़ द ब्लू कलर दैट Xiaomi इज़ ऑफरिंग राइट नाउ। फ्रंट पे अगर आप देखें तो इट्स अ वाइड स्क्रीन विद एमुलेट डिस्प्ले, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ फ़ोन ऑन करते हैं और देखते हैं और क्या क्या कॉन्टेंट मौजूद है इस फ़ोन के अंदर। तो बॉक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि एक केबल है जो कि एंड्रॉयड 2 USB टाइप सी में है। इसके अलावा हमारे पास सो दिस इज़ द चार्जिंग ब्रिक दैट वी आर गेटिंग। इसके हम देख लेते हैं कि चार्जिंग कैपेसिटी क्या हमें मिल रही है। तो इट्स 5 वॉट्स विद 2.5 एम्पेयर, विच मीन्स इट्स अ फास्ट चार्जर एंड इट्स गोइंग टू बी चार्जिंग वेरी एक्सट्रीमली एंड ऑनेस्टली फास्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि आपको आधे घंटे में जो है वो 4 से 5 घंटे की पावर मिल सकती है। फ़ोन जो है हम देख रहे हैं कि ऑन हो चुका है। फ़ोन की मैं सेटिंग्स पहले ही गो थ्रू कर चुका हूँ। फ़ोन इज़ वेरी लेस चार्ज, दैट्स वाई इसकी साइज सेटिंग्स मैं पहले ही कर ली थी, क्योंकि चार्ज पे लगाने का मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आप देखें तो इसका फ्रंट एक बहुत ही अमेजिंग सा डिस्प्ले है इसका, इट्स 6.21 इंचेस डिस्प्ले साइज़, जो इसकी स्क्रीन साइज़ है वो 6.21 इंचेस है और इसका जो स्क्रीन है वो एमुलेट डिस्प्ले के साथ है। अगर कुछ और चीज़ें बात की जाए इसके फ़ोन के बारे में, इसके सामने फ्रंट के बारे में, तो इसका फ्रंट एंड बैक बोथ इज़ ग्लास, विच इज़ अमेजिंग एंड गिव्स अ प्रीमियम लुक टुवर्ड्स द फ़ोन। साथ ही साथ हम अगर कुछ और भी चीज़ें बात करें तो इसका जो एस्पेक्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो तकरीबन 83% है, विच इज़ अमेजिंग। अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेजल्स आर वेरी लेस फ्रॉम द साइड्स एंड ऑब्वियसली चेन एक हमें नज़र आ रही है और ऊपर एक नॉच नज़र आ रहा है, नॉच भी देख सकते हैं हम कि हमें नॉच नज़र आ रहा है। ये नॉच जो है स्पीकर और कैमरे को जो है वो एंटरटेन कर रहा है। साथ ही साथ हम फ़ोन को ऑन करते हैं और फ़ोन की बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रिस्पॉन्स रेट तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे। तो इसके सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं डायरेक्टली और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा होल्ड अप कर रहा है। सो लेट्स गो ऑन द सिस्टम्स। जी हाँ, तो फ़ोन के सेटअप पे हम आ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास वेरियंट है ये 6GB वेरियंट है और इसमें और भी अगर कुछ चीज़ें हम देख सकें तो ये जो स्ट्रेट फ्रॉम द बॉक्स 8.1 एंड्रॉयड चल रहा है इसके अंदर। जी CPU जो है इसके अंदर वो ऑक्टा कोर है, विच इज़ अमेजिंग। साथ ही साथ और भी चीज़ें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएंट है वो 6GB और 128GB सपोर्ट करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसके सॉफ्टवेयर में हाईलाइट कर सकते हैं। अदर देन दैट और भी कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बता सकूँ इसमें, तो ये स्नैपड्रैगन 845 लॉक इन करा हुआ है अपने अंदर, विच इज़ अ वेरी कूल चिपसेट।
इसी के साथ साथ हम अगर फ़ोन के आउटलुक के बारे में बात करें तो एक तरफ अगर हम देखें तो देर इज़ अ पावर बटन विद वॉल्यूम रॉकर्स जो कि बहुत ही स्विफ्ट से और बहुत मज़े के बटन्स हैं. इसका फील बहुत अमेजिंग सा आ रहा है. बैक साइड पर अगर हम देखें तो देर इज़ अ फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड अ ड्यूल कैमरा सेटअप जो कि बहुत ऑब्जर्वेंट सा है और बहुत इसकी फील जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है. अदर देन दैट अगर हम इस साइड पे देखें तो देयर इज़ द सिम ट्रे. देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की सिम ट्रे आने वाली है. इसी तरह हम एक सिम इंजेक्टर टूल से यहाँ पे टूल निकालते हैं और सिम ट्रे इसकी चेक कर लेते हैं कि आया ये जो सिम है हमारे पास ये हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है. तो ये भी चीज़ हमें पता लग जाएगी यहाँ से. Alright, so the SIM we have is a dual SIM protector और ये hybrid नहीं है. इसका मतलब इसमें external storage जो है ये support नहीं करता है. इसी के साथ साथ हम कैमरे पे आ जाते हैं. अगर कैमरे की बात की जाए तो इसका रेयर कैमरा है वो तकरीबन 12 मेगापिक्सल विथ 12 मेगापिक्सल है एंड द एपरेचर इज़ अराउंड 2.4 विच इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग अगर कैमरे की बात की जाए. साथ ही साथ अगर इसका फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो वो 20 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा है. कैमरे के साथ साथ हम कैमरे को एक चेक भी कर लेते हैं कैमरे को और देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है. तो मैं कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ यहाँ से और देखते हैं कि हाउ इट्स गोइंग टू बी. जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो पिक्चर्स ले चुका हूँ यहाँ पे और दोनों पिक्चर्स पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो मी की प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर कर रहे हैं. पहला जो है ये पोर्ट्रेट मोड है और पोर्ट्रेट मोड में आप देख सकते हैं कि जिसकी जो साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लर्ड आउट हो चुकी हैं. इट्स अ वेरी क्लियर एंड कूल ब्लर्ड आउट इफेक्ट जो कि अमेजिंग सा लग रहा है. साथ ही साथ अगर हम दूसरे पिक्चर को देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक शैलो सी चीज़ें नज़र आती हैं और इसमें ब्लर इफेक्ट जो है वो बहुत कम है. फ्रंट कैमरे की तरफ भी देख लेते हैं कि ये किस तरह रिएक्ट करने वाला है. एक पोर्ट्रेट मोड में तस्वीर ले लेते हैं. जी हाँ, तो मैंने एक पोर्ट्रेट मोड में ले ली है और एक नॉर्मल मोड में है. दिस इज़ द नॉर्मल मोड जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेलीमार्ट हमें कूलली नज़र आ रहा है. सारी चीज़ें क्लियर हैं बैकग्राउंड पे. साथ ही साथ अगर आप पोर्ट्रेट मोड में देखें तो एवरीथिंग इज़ ब्लर्ड आउट. यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा है कि पीछे किस चीज़ का प्लेस किया हुआ है हमने. तो ये भी एक बहुत कूल सा इफेक्ट है. साथ ही साथ कैमरे की जब बात हो ही रही है तो हम और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं. इसकी वीडियो की जो वीडियो ये कैप्चर कर रहा होता है इट्स सपोर्टिंग एन HDR वीडियो डिस्प्ले दैट इज़ अमेजिंग. तो कैमरे और वीडियो के बारे में तो बात हो ही चुकी है तो कुछ और भी चीज़ें मैं बता दूँ. इसका रिस्पॉन्स रेट ऑफ फिंगरप्रिंट इज़ वेरी गुड. अदर देन दैट दिस फोन इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स. कलर में अगर बात की जाए तो ये फ़ोन ब्लैक वाइट गोल्ड और ब्लू कलर में अवेलेबल है. सारे कलर्स बहुत ही अमेजिंग और यूनिक से हैं. अदर देन दैट ये जो फ़ोन है It's packing around 3400 mAh battery, which is a cool battery and a longer time period for this phone to last. Other than that, obviously, एक fast charger के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी combined up होती है. तो ये कुछ चीज़ें थी, ये रिव्यू था और फ़ोन को मैं बहुत बेहतर तरीके से देखूंगा. इसके अंदर बाकी इसके फीचर्स चेक करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ और इसका डिटेल्ड एक एनालिसिस जो है वो इंशाल्लाह जल्द आने वाला है और आप लोग सबको मिलने वाला है. सो गाइज, ये था Xiaomi की तरफ से Mi 8. होपफुली आप लोगों को रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी. आप बताइए नीचे कॉमेंट बॉक्स में कि आपका फेवरेट फीचर कौन सा है. अभी तक के लिए इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.